श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, हम भगवती सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। इस सूत्र की बात आप ऐसे समझें जैसे कि बहुत विशाल बागीचा हो। बागीचे में तरह तरह के फूल खिले हों, विविध रंगों के, विविध आकार और प्रकारों के। माली उस बागीचे में जाता है और अपने पसंद रुचि के अनुसार पुष्पों का चयन करता है। उसने माला बनानी है अथवा किसी धार्मिक कार्य में पुष्पों का प्रयोग करना है या उसे सज्जा करनी है, अपनी आवश्यकता रुचि के अनुसार पुष्पों का चयन करता। भगवती सूत्र ज्ञान का विशाल बागीचा है। इसमें अनेक तरह के प्रश्न के रूप में पुष्प खिले और हम उन पुष्पों का अवलोकन करते हैं, चयन करते हैं। हमें क्या समाधान चाहिए, हमारा क्या प्रश्न है और यहां समाधान मिल जाता। अनेक प्रसंग हैं। आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं उसका प्रारंभ ऐसे हुआ कि गौतम स्वामी आहार चर्या हेतु नगर में गए थे। वहां से लौट रहे थे। उन्होंने लौटते में एक व्यक्ति को देखा जो विक्षिप्त था, पागल था। एक विक्षिप्त की क्या स्थिति हो सकती है, आप जानते भी हैं, सोच भी सकते हैं। सिर के बड़े बाल बिखरे हुए, धूल मिट्टी में सने, उसकी सारी आकृति विकृत बनी, शरीर में जगह जगह घाव बने थे, मक्खियां भिन भिना रही थी।
ऐसा विक्षिप्त पागल दुखी व्यक्ति उन्होंने देखा। ऐसा देख करके करुणा भाव तो आता ही। गौतम स्वामी तो बहुत ऊंचे थे, उनकी करुणा और उनका चिंतन वहां तक हमारा जाना पहुंचना मुश्किल है। सहज आदमी की बात करें, उसको भी देखकर दया आती है, बेचारा किस स्थिति में। गौतम स्वामी ने देखा, जो विचार और चिंतन हुआ उनका गहराई में चला गया। भगवान के पास आए, वंदन नमन किया, मैं ये आहार लाया हूं, यहां थोड़ा सा साधुचर्या की बात कहूं। साधुचर्या यह है कि शिष्य गुरु से पूछ कर जाए कि मैं इस कार्य के लिए नगर में घरों में जा रहा हूं, बिना पूछे न जाए। वहां से जो आहार लेकर के आए वह गुरु को दिखाए, मैं लेकर आया हूं ये आहार है। अगर गुरु ने लेना हो तो प्रार्थना करे, गुरुदेव कृपा करो। गुरु का आवश्यकता न हो अथवा कोई व्रत आदि का प्रसंग हो, न लेना हो, प्रार्थना की गुरु ने संकेत किया, ठीक है जाओ ग्रहण करो। फिर अपने अन्य साथी मुनियों से इस बात का निवेदन करे, मैं आहार लेकर आया हूं, आप कृपा करो। वे अगर लें तो उदारता से दे, मैं इनको दे दूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मेरा कम रह जाएगा, ऐसे भाव नहीं, और कृपा करो और ले लो, उदारता से दे, बाद में स्वयं ग्रहण करे। यह है साधुचर्या। गौतम स्वामी आहार लाने वाले सर्वज्ञ प्रभु को दिखा रहे हैं, उनसे कोई बात छिपी हुई है, वो तो जाने से पहले जानते हैं। गौतम जाएगा वहां, वहां जाएगा वहां, उन्हें तो सब दिख रहा है, ये प्राप्त होगा, ये उनके ज्ञान का विषय है। शिष्य का जो धर्म है वो यह है, गुरु जान रहे हैं फिर भी उनको बताए, और पड़े दन से ही शब्द आया उनको दिखाए कि ये लेकर आया, और उनकी आज्ञा प्राप्त करे फिर उसे ग्रहण करे। एक तो बात ख्याल में आ रही है, बंधुओ मेरी दीक्षा उस समय स्वल्प थी, 1964 में मेरी दीक्षा हुई, और 1965 में पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी मेरे गुरु जी और भगत शिवचंद जी महाराज, एक मैं लघु मुनि
दिल्ली आए। दिल्ली में काफी विचरण रहा था, सदर बाजार दिल्ली में जाना हुआ। दो तीन बातें बहुत याद आती हैं। एक तो वहां पर श्रद्धे श्री भागमल जी महाराज विराजमान थे, उनकी दीक्षा बड़ी थी। गुरु महाराज योगी राज महापुरुष थे, बड़े थे, लेकिन दीक्षा उस समय का क्रम जो था वो ये, श्री भागमल जी महाराज बड़े थे। अब हमने तो कभी योगीराज जी को उस रूप में नहीं देखा, तो बड़े थे हमारे, लेकिन वो श्री भागमल जी महाराज के वंदन हेतु सामने पाकर उन्हें झुके वंदना करने के लिए। श्री भागमल जी महाराज ने बीच में रोक लिया, बाहों में दोनों मिले। श्री भागमल जी महाराज बोले, योगीराज तुम और हम तो बराबर के, हमारे क्या ये व्यवहार की बात, ठीक है छोटे संतों की होती है, आओ। और दोनों एक आसन पर बैठे, पट्टे पर। मेरे लिए ये दृश्य नया था, मैंने पहली बार ऐसा देखा। उनकी बातें हुई, वो एक अलग विषय है। मैं पारस्परिक प्रेम की बात और विधि और व्यवस्था की बात बता रहा था। उन बड़ों ने कैसे विधि व्यवस्था को निभाया और कैसे, तो मैंने कहा, मैंने कई प्रसंग मेरे मानस में रहते हैं। दूसरी बात यह है कि एक दिन एक भाई अपने घर पर चलने की विनती करके गया गुरु जी को, यानी श्री रामकृष्ण जी महाराज को। जैसा उन्होंने ठीक समझा, आहार का जब समय हुआ तो मुझसे फरमाया, सुभद्र चल एक घर फरस करके आना है। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने पात्र ले लिए झोली में और मैं गुरु जी के साथ गया। जा करके घर गए, मंगल पाठ सुनाया, फरसना की बात आगे की है। लौट करके आए तो मैं सीधे जिधर आहार रखते थे उस कमरे की ओर जाने लगा। गुरु महाराज योगीराज थे नहीं, ऊपर नीचे किसी काम में रहे होंगे, उधर जाने लगा। मेरे गुरु जी ने कहा, इधर आ, उधर नहीं, इधर आ। तो मैं उधर आ, मैंने कहा तहत कृपा बोले इधर आ। जहां श्री भागमल जी महाराज थे वहां वो लेकर गए, झोली अपने हाथ में ली गुरु जी ने और रख करके बोले, जी ये एक घर फरसना की थी, लेकर आए हैं। उन्होंने बड़े भावुक मन से गुरु जी के सिर पर हाथ मेरा, कोई नहीं बहुत अच्छा, करो कृपा करो ग्रहण करो। फिर उन्होंने कहा कुछ ले लो कृपा करो, बोले ठीक है। ये भी पहली बार प्रसंग बना। गुरु महाराज योगीराज के चरणों में तो ठीक हम लेकर आते थे, लेकिन उन्होंने उस बात को कि आहार लाए तो बड़े धन से बड़ों को दिखाया, श्राव को। वैसे तो उस समय आहार पानी से अलग अलग था, क्या जरूरत अपने, ठीक है भाई वो क्या कह रहे थे इसमें और कौन सी बात थी अपना, ठीक है कमरे में जिधर व्यवस्था थी, ऐसा नहीं किया, नहीं पहले बड़ों के पास जाओ। ये विधि है, ये व्यवस्था है, बड़ों को दिखा करके और फिर आहार ग्रहण किया जाए।
कई घटनाएं हो जाती हैं कई बार। एक और संत थे, ये हमारे प्रसंग की बात है, श्री अमित मुनि जी हार लेकर आए, वो जो बड़े महाराज संत थे उनको दिखाया इन्होंने, उनके छोटे बोले हार करवा दिया इनको, ये नहीं लेंगे, हार करवा दिया करवा दिया। वो कहते बीच में चौधरी बनना, बीच में दखल देना, भाई ये दिखाने वाले वो बड़े बलतरी जरूरत क्या हो रही थी, उनको दिखा दिया, वो कह रहे हार करवा दिया करवा दिया। इन्होंने दिखाया, उन्होंने देखा और बड़े प्यार से बोले अच्छा ये एक चीज दे दे। बड़े उससे बोले इनका लो कृपा, इन्होंने हाथ पे रखा और करो कृपा। उन्होंने ग्रहण किया, फिर प्रार्थना कुछ और ले लो, और इसमें क्या है दिखा दिया, कुछ और लिया और कहा कुछ और कृपा कर लो, बोले बस और नहीं, जो ले लेके अपने स्थान के ऊपर अपने कक्ष कमरे के अंदर आ गए। वो बात यूं याद आती है कि बताओ दखल देने की क्या जरूरत थी, दिखाने वाले ये दिखा उनको रहे और वो बीच में ये ना हो। विचार और अपने अपने सोच होती है, तरीका यही है कि बड़ों को दिखाया जाए। ये तो मैंने छद्मस्थों की बात बताई, उनकी विधि बताई, पर वहां तो केवल ज्ञानी की बात थी और एक चार ज्ञान के धारक की बात थी, उन्होंने भी विधि को पूरा किया, भगवान को सामने आकर के पड़े दिन से ये दिखाया जी ये लेके आया हूं। यहां मैं दोबारा दोहराऊं उस बात को, भगवान से कुछ छिपा हुआ है या कुछ छिपा हुआ था, वो तो पहले से जानते थे गौतम जाएगा वहां वहां जाएगा उस घर से ये स्पर्शन होगी होगा ये इसकी झोली के अंदर है, लेकिन विधि विधि है।